Hi and assalamu alaikum. This is Maria Kokab, your math mentor. Welcome to my YouTube channel Math Breaker. Today I am going to discuss with you how to memorize the algebraic identities by a traditional way. I have already given you the concept of Pascal triangle to formulate any power of the algebraic expression a plus b. If you want to see my previous video, I link it in the description box and you will also get it by clicking the I button. Without wasting more time, I'll start this video. The concept of Pascal triangle is very useful to formulate any power of the expression a plus b. But the concept of Pascal triangle is not useful to formulate a square minus b square. For this identity, I have a traditional way. ट्रेडिशनल वे वो मेथड है, वो तरीका है, वो इजी वे है जिसको हमारे टीचर्स अपने सिलेबस को कवर करवाने के लिए अक्सर औकात यूज करते हैं. इस फॉर दिस आइडेंटिटी आई हैव अ ट्रेडिशनल वे टू मेमोराइज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बाय जस्ट चेंजिंग द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस. आई एम गोइंग टू राइट all of the identities on the board. We have these identities and I am going to tell you how to memorize these identities in a traditional way by just changing the sign of plus and minus. First, I have this identity a square minus b square is equal to a plus b a minus b. ये इतनी इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है कि ये सिर्फ अलजबरा में ही नहीं बल्कि ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, मेथड और मैथ्स की और भी बहुत सी ब्रांचेस में ये बहुत अहम रोल अदा करती है. सेकंड, आई हैव दिस आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर. इसको याद करने का तरीका ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब यहाँ प्लस हो तो प्रोडक्ट टर्म के साथ प्लस होगा और जब यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्रोडक्ट टर्म के साथ माइनस होगा और बाकी यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है लेकिन प्रोडक्ट टर्म के साथ यहाँ माइनस हो जाएगा. सेम ए प्लस बी क्यूब, इसको कैसे याद किया जा सकता है ट्रेडिशनल वे में, सकते हैं ए क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी प्लस बी क्यूब. सब वेरिएबल्स और कोफिशिएंट के साथ प्लस आ रहा है लेकिन यहाँ पे जब नेगेटिव साइन होगा तो तब हमारे पास सारे के सारे साइंस नेगेटिव होंगे. ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब का फॉर्मूला ये ए माइनस बी, जब यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म के साथ प्लस होगा ए बी प्लस बी स्क्वायर. एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जस्ट प्रोडक्ट टर्म विद वन कोफिशिएंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म विद टू कोफिशिएंट है. तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि अगर ए प्लस बी स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टू होगा, ए माइनस बी स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्यूब होगा, लेकिन जब क्यूबिक आइडेंटिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट का टर्म के साथ सिर्फ वन कोफिशिएंट होगा और ए प्लस बी है तो ए प्लस बी, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, ए स्क्वायर और प्रोडक्ट टर्म के साथ माइनस होगा प्लस बी स्क्वायर. अगेन इसको समझ लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी, अगर प्लस है तो प्रोडक्ट टर्म के साथ प्लस होगा, अगर माइनस है तो माइनस प्रोडक्ट टर्म के साथ माइनस होगा. क्यूबिक फार्मूला के लिए अगर यहाँ प्लस है तो सबके साथ साइन प्लस होंगे, अगर माइनस है तो सबके सब साइन माइनस होंगे. यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा और प्रोडक्ट टर्म के साथ प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा और प्रोडक्ट टर्म के साथ
माइनस होगा। होप यू गाइज इंजॉयड दिस वीडियो। इफ येस देन क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। See you with the next video. Till then, bye bye and Allah Hafiz.